हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब। मेरा नाम है उमेश और मैं हूँ 116 रेडिया से। और इस वीडियो में मैं आज आपके साथ बात करने वाला हूँ हैशिंग एट एसीमी, हैशिंग एट स्पेस एसीमी, मूव योर अकाउंट टू द न्यू वेव्स एक्सचेंज। तो इसके बारे में बात करेंगे और बाकी सारी बातें मैं आपको वीडियो के साथ साथ में बताता चलूँगा, ठीक है। तो पहले सबसे पहले मेन बात पर चलते हैं। मेन बात ये है कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि हैशिंग एट स्पेस, ये जो हम कंपनी में ज्वाइंट थे, मेरे साथ जो हैं ये 71 जो रेफरल्स हैं, मैं सिर्फ इनके लिए वीडियो बना रहा हूँ, बाकी किसी पर्सन के लिए वीडियो मैं नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। और मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता कि कोई भी प्रोग्राम में कभी ज्वाइन करें, ठीक है। प्रोग्राम एट द एंड फेल हो जाते हैं, इसलिए कोशिश करें कि अपने अंदर स्किल डेवलप करें और लर्निंग करें और उस लर्निंग को यूज़ करके पैसा कमाएं ऑनलाइन से, ठीक है। ये सिर्फ वीडियो मेरे रेफरल्स के लिए बन रही है जो कि मेरे साथ है, तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि उनको जो अपडेट हुई है उसके बारे में बता दूँ, ठीक है जी। तो अभी बात यह है कि जैसे कि हम हैशिंग एट स्पेस में करीब एक साल के पास, हम एक साल हो चुका है, एक साल से ऊपर ही, तो हम सब यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे कि हैशिंग एट स्पेस में आपको यहाँ पे पता है कि वेव्स क्लाइंट, ये जो है वेव्स क्लाइंट का हम यूज़ करते थे जब हमने एसीमी को बाय करना होता था या सेल करना होता था, ठीक है। बट अभी अगर आप अपने वेव्स क्लाइंट को ओपन करते हैं, जो सॉफ्टवेयर है हैशिंग एट स्पेस वालों ने दिया हुआ, इसको अगर आप ओपन करते हैं तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। जस्ट वेट करिए थोड़ा सा मेरे साथ, ये थोड़ा लोड होने में टाइम लगाएगा। देखिए मैं ओपन करके इसको आपके पास आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये ओपन हुआ है तो आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं, इन्होंने लिखा है वी आर नो लॉन्गर ऑपरेटिंग दिस सर्विस। तो क्या इन्होंने मेन बोला है, यहाँ पे लिखा है इन्होंने You should move your accounts to the new waves.exchange. We strongly recommend that you do it as soon as possible. Do this as soon as possible. ठीक है जी। तो अगर तो आपने ये काम अभी तक नहीं किया है, जैसे मैंने भी नहीं किया था, मैंने भी कल ही किया है, तो यहाँ पे आप अपने क्लिक करिए, आपके सारे टोकन, सीड, फ्रेज, आपके पासवर्ड यहाँ पे सेव हैं। स्टार्ट मूविंग पे क्लिक करिए, और अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो इसको आप डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी करके रखा है तो मैं इसको कर देता हूँ बंद। जब आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोडिंग चलेगी, इसको बंद मत करिएगा, ठीक है, पूरा होने दीजिए। अब मैंने कर लिया हुआ है इसको डाउनलोड, तो मेरे पास ये मैंने डाउनलोड करके इस तरीके से आता है ये waves.exchange में। उसके बाद इसको ओपन करके जो रार फाइल है इसको एक्सट्रैक्ट करके, विनरार फाइल को एक्सट्रैक्ट करके एक्सट्रैक्ट हेयर कर लीजिए और ऐसा आपके सामने आ जाएगा। तो ये रहा सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर को अगर आप डबल क्लिक करके ओपन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं यस पे क्लिक करता हूँ। मेरा ये ऑपरेटिंग सिस्टम है 32 बिट का, टोशीबा का लैपटॉप है मेरा 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम का, बट ये बोल रहा है कि भाई 64 बिट विंडो रिक्वायर्ड है, 64 का चाहिए तभी ये सॉफ्टवेयर काम करेगा। तो अगर आपका लैपटॉप 64 बिट का है, आप इस पे क्लिक करके इसको ओपन करके इसमें अंदर लॉग इन करिए, ठीक है। एक बात मैं आपको बता दूँ, अगर आपका ये सॉफ्टवेयर ना चले तो आपने क्या करना है, तो आपने आना है सिर्फ सीधा waves.exchange पे, ठीक है, waves.exchange साइट पे, और ये लिंक मैं वीडियो के नीचे आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आपने आकर इसमें, मैं बताता हूँ आपने क्या करना है, इसको ओपन होने दीजिए। मैं तब तक स्नैपशॉट लेके रखे हैं, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे इस तरीके का ये आपको दिखेगा, इस तरीके का इम्पोर्ट फ्रॉम सीड और की, तो यहाँ पे होगा सीड फ्रेज एनकोडेड सीड प्राइवेट की, तो आपने क्लिक करना है सीड फ्रेज पे, क्योंकि ये आप देख रहे हैं मैंने अपना यहाँ पे सीड फ्रेज एंटर किया हुआ है। सीड फ्रेज क्या है, जो 15 वर्ड्स का, ठीक है, 15 वर्ड्स का, जो जब आपने ये अपना, एक सेकंड मैं दिखाता हूँ आपको, 15 वर्ड्स का जो आप जब आपने इसको इंस्टॉल किया था वेव्स क्लाइंट को, तो उस टाइम पे 15 वर्ड्स का आपको एक जो है लाइन लिखाई गई थी, ठीक है। वो मैंने कहा था उस टाइम पे कि आप नोट करके रखें अपने पास कॉपी में, नोटबुक में, अगर वो आपने अपने पास नोट करके रखी हुई है जैसे मैंने ये रखी हुई थी, तो उसको यहाँ पे सीड फ्रेज में आप एंटर कर दें। आके यहाँ पे एंटर करेंगे फिर आपका यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा, ऑटोमेटिकली कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और आप लॉगिन कर सकते हैं नया पासवर्ड डाल के, ठीक है। एक बात यहाँ पे याद रखिए, रिमेंबर यू मस्ट इम्पोर्ट इट, नो नीड टू क्रिएट न्यू अकाउंट और साइन इन। आपने साइन इन नहीं करना है, ना ही क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है, आपने क्लिक करना है इम्पोर्ट इट पे। जब आप आ जाएंगे waves.exchange साइट पे, आपने इम्पोर्ट इट पे क्लिक करना है, ये बात दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। और इस तरीके से जब आपने एंटर कर दिया, ठीक है, जब आपने एंटर कर दिया ये अपना सीड फ्रेज 15 वर्ड्स का जो आपको अपने अपनी नोटबुक में लिखा होगा या कहीं सेव किया होगा, कंटिन्यू पे जैसे ही आपने क्लिक किया ये आपसे मांगेगा पासवर्ड, पासवर्ड आप नया सेट कर लीजिए। मैंने अपना पासवर्ड सेट करके ऑलरेडी रखा हुआ है, तो मैं कंटिन्यू पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू पे जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखते हैं अभी क्या होता है।
आप देख रहे हैं मैं अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन हो चुका हूँ वेव्स डॉट एक्सचेंज साइट के अंदर। ये सॉफ्टवेयर नहीं है, ये वेब बेस्ड डेस्कटॉप पोर्टल है, ठीक है। यहाँ पे आप इस पर क्लिक करके एंटर कर सकते हैं, बट अगर आपने सॉफ्टवेयर चलाना है, मैंने आपको बता दिया सॉफ्टवेयर चलाना है, तो सॉफ्टवेयर आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मेरा ये मकसद आपको बताने का बस यही था कि आप अपना जो है वेव्स प्लेटफॉर्म पुराने वाले से नए वाले, ये नया वाला है, इसमें एंटर कर जाइए, तभी आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। और बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो आप मेरे से, मेरे फेसबुक पेज पे, या मेरा फेसबुक पेज का लिंक है मेरे वीडियो के नीचे दिया हुआ है, ठीक है। ये वेबसाइट का, फेसबुक का, और ये ज्वाइनिंग का लिंक मैं आप किसी को नहीं दूंगा, ये ज्वाइनिंग का लिंक मैं यहाँ से हटा दूंगा, ठीक है, वीडियो के नीचे नहीं होगा ये। आप मुझे मिल सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे पुट करना हो आप मुझे पुट कर सकते हैं, ठीक है। और जहाँ तक रही बात हैशिंग एड स्पेस की, तो हैशिंग एड स्पेस में जो है यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, अगर हम एसीमी स्टेक में देखते हैं, सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूँ आपको कि आई होप आप सब यहाँ पे अपने स्टार्ट मिंट कर रहे होंगे एड्स, और वी टू ई का फ़ायदा ले रहे होंगे, ठीक है। बट अभी तक फ़ायदा हुआ नहीं है, सीधी सीधी बात बोलें, जब से का पैसा लगाया था तब से अभी तक फ़ायदा हुआ नहीं है। बट जो ल्यूक मिलाड है, जो सीईओ है कंपनी का, जो ओनर है हैशिंग एड स्पेस का, वो मेहनत कर रहा है टाइम टू टाइम इसको ग्रो करने की, कैसे भी करके, ठीक है। तो साथ में रहिए, कुछ पैसे आपके लगे हैं तो उसको अब वेस्ट मत जाने दीजिए, थोड़ा बहुत काम होता है दिन का, जो चार ऐड देखनी होती हैं, मिंट करनी होती हैं, चार पांच ऐड, दस ऐड जितने भी आपके पास हैं वो आप करके, हार्डली 15-20 मिनट का काम है, ठीक है, वो करके आप फ्री हो रहते हैं सारा दिन, जो मर्जी करिए। बट ये है कि अपना अकाउंट को चला ही रखिए, पता नहीं होता कल को कब प्रॉफिट में अगर ये सेमी कॉइन या टोकन आ जाए, ठीक है जी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एसीमी स्टेक पे क्लिक करके आपको एक्टिव मिंटर स्टेक बताता हूँ। मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ ये मतलब मकसद है, मैंने आपको बताया हुआ है, एक सेकंड, मिंटर स्टेक सेटअप पे क्लिक करता हूँ। एसीमी पे क्लिक करने के बाद तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें एसीमी मिलेंगे $100 के अंदर, ठीक है। तो $100 अगर आप पे करते हैं, 2119 असीमी आपको मिलेंगे अब आज के रेट के हिसाब से। और मैं बोलता हूँ आपको $100 पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक रुपया भी फालतू इस कंपनी में और मत लगाना, ठीक है, ये मेरी रियल एडवाइस है आपको, ठीक है। मैं नहीं बोलूँगा कि पैसा लगाओ, ये करो वो करो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब तो बस जो आपने रखा हुआ है अपने पास इतने टाइम का संभाल के, उसको देखो वो बढ़ता है कि नहीं, ठीक है, बाकी बातें बाद में करेंगे। तो मेरा मकसद सिर्फ वीडियो का, मैं फिर से बता रहा हूँ, यही है, मैं सिर्फ ये अपने 71 रेफरल्स के लिए वीडियो बना रहा हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं है किसी और से, और ना ही मैं किसी और को बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कंपनी में ज्वाइन करो, ठीक है। जिन्होंने ज्वाइन करके रखा है, उन्होंने रिस्क उठाया हुआ है, तो वो अपने जो है अकाउंट को आगे ग्रो कर लीजिए, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, डाउनलोड कर लीजिए न्यू सॉफ्टवेयर, नहीं तो waves.exchange में आके आप इसको लॉगिन कर लीजिए और अपने अकाउंट को रेडी रखिए, ठीक है, कल को पता नहीं होता कब क्या हो जाए, ठीक है जी। और ये जैसे आपके पास अकाउंट बैलेंस आ रहा है, तो एसीमी स्टेक पे जाके आप लॉगिन स्टेक इसको लगा दीजिए, क्योंकि अब इस टाइम पे पॉसिबल नहीं है। 8 जैसे स्टेक लिखा है, स्टेक पे जाके नीचे आके आई एग्री पे क्लिक करिए। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आपका ये स्टेक, यू हैव सक्सेसफुली स्टेक योर एसीमी, ठीक है। तो मैंने अभी तक अपने 956 एसीमी जो है स्टेक पे लगा दिए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से डेली का डेली आपको एसीमी मिलते रहेंगे, तो आप इसको स्टेक पे लगा के यहाँ से स्टेक की अर्निंग्स भी उठाते जाइए, ठीक है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ स्टेक पे लगाने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे पॉसिबल नहीं है कि आप 2100, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि $100 का 2100 कुछ एसीमी आपको मिल रहे हैं, तो इस टाइम पे पॉसिबल नहीं है कि आप एक दिन में या 10 दिन में या 20 दिन में यहाँ पे $2100 एसीमी आपके पास बन जाएं, और उससे आप एक नया एड मिंटिंग टोकन, एड मिंटिंग जो है वो खरीद पाएँ, ठीक है। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता अभी, क्योंकि अभी मार्केट में रेट बहुत ही ज़्यादा डाउन आया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा डाउन है एसीमी का प्राइस, ठीक है जी। तो इसकी बजाय आप ने पैसे तो जो लगाए हुए हैं वो लगे हुए हैं, तो उसका फ़ायदा लीजिए, ठीक है। इसको लॉगिन स्टेक पे लगा दीजिए करिए, जो भी यहाँ पे आपके पास एसीमी बनता है डेली का डेली, ठीक है भाई। ये बात आप सब क्लियर हो गई। और अगर आप इसके बाद पूछते हैं कि भाई मैं इसमें और कैसे काम करूँ, मेरे को पैसा नहीं बन रहा, मैं पैसा कैसे बनाऊँ, ठीक है, ऑनलाइन से, तो मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, आप मेरे को यहाँ पे आके मिल सकते हैं। फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको पता है मैंने प्रोग्राम्स को करना बिल्कुल छोड़ दिया हुआ है, मैं सिर्फ फॉरेक्स कर रहा हूँ, फॉरेक्स और क्रिप्टो, ठीक है। तो फालतू बातों पे ना काम करते हुए, फालतू प्रोग्राम्स पे ना काम करते हुए, सिंपल आपने अगर BTC बनाना है आप मेरे को कॉन्टैक्ट करिए, मैं आपको बताता हूँ लेजिट और सही तरीका क्या है, जहाँ से मैं खुद बना रहा हूँ और लोगों को भी बनवा के दे रहा हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई फेक नहीं है, आप मेरी ID भी आके देख लीजिए, नीचे लोगों के साथ बात करके देख लीजिए कि मैं कैसा बंदा हूँ, ठीक है, और क्या मेरे साथ चल रहा है ऑनलाइन में, ठीक है। तो मेरी एडवाइस बस आप भाइयों को यही है,
कि अपना जो भी आपने अगर ऑनलाइन से सच में पैसा कमाना है लाइफ टाइम के लिए, कोई अच्छी टीचिंग, कोई अच्छा स्किल, कोई भी हो जो आपको पसंद हो, वो प्रॉपर तरीके से पढ़ना शुरू कीजिए, उसको करना शुरू कीजिए और उस पर उसको अप्लाई करिए। आपको पैसा बनाने से फिर ऑनलाइन में कोई नहीं रोक सकता। और जहाँ तक मेरी हेल्प चाहिए होगी तो आपको पता है इस ये साइट का लिंक मैंने नीचे दिया है आपको, यहाँ पर कॉन्टैक्ट पे आके आप मुझे कॉन्टैक्ट करिए और मेरे व्हाट्सएप पे आप मुझे मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन ऑनलाइन अर्निंग के बारे में, कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है विदाउट प्रोग्राम्स, क्योंकि मैं प्रोग्राम्स को प्रमोट नहीं करता हूँ बिल्कुल भी। आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल मत करिएगा, मुझे व्हाट्सएप मैसेज छोड़िए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा वहाँ पर, ठीक है जी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट अपडेट के साथ आपको मिलूंगा। सो टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।